डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ एंटमोलॉजी इन इंडिया। कि भारत में जो कीट विज्ञान है वो कैसे स्टार्ट हुआ और उसके इतिहास के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। देखिए, एंटमोलॉजी जो है मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल साइंस डीलिंग विद ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द इंसेक्ट्स। एंटमोलॉजी जो है एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। कीट जो हैं वो मनुष्य से बहुत पहले जो है वो ओरिजिनेटेड हुए थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम मनुष्य की जो उत्पत्ति है अगर मिलियन ईयर एगो माने तो इंसेक्ट की जो उत्पत्ति हुई है वो 500 मिलियन साल पहले हुई है। तो इंसेक्ट जो है वो मनुष्य से बहुत पहले जो है उत्पन्न हो चुके थे और इसकी जो हमें जानकारी जो है हमारे वेदों और पुराणों में भी मिलती है। इंसेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंसेक्ट की जो क्लास है इंसेक्टा वो एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास है। अबाउट 72% ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। जो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जीवित प्राणी हैं उनमें से लगभग 72% जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स ही हैं और इंसेक्ट्स की लगभग 9 से लेकर 15 लाख तक जो है जातियां जो है डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। द वर्ड एंटमोलॉजी ओरिजिनेटेड। जो एंटमोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द एंटमोन मींस इंसेक्ट और लोगोस मींस स्टडी से मिलकर बना हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंटमोलॉजी, तो एंटमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंसेक्ट्स। इन एंटमोलॉजी वी स्टडी द हैबिट एंड हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। एंटमोलॉजी को हम जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पहली जो कैटेगरी है वो बेसिक या फंडामेंटल या जनरल एंटमोलॉजी के अंतर्गत आती है, जबकि दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम अप्लाइड और इकोनॉमिक एंटमोलॉजी कह सकते हैं। इन बेसिक एंटमोलॉजी, जो बेसिक एंटमोलॉजी जो कैटेगरी है इसमें हम स्टडी करेंगे इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऑफ इंसेक्ट की, बाह्य आकार की, एनाटॉमी आंतरिक संरचना, फिजियोलॉजी जो उसकी कार्यकी है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स मींस क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। दूसरी तरफ जो कैटेगरी है वो अप्लाइड एंटमोलॉजी है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, कि जो कीट हैं उनका क्या आर्थिक महत्व है, कैसे हम कीटों को जो है नियंत्रित कर सकते हैं और उनकी जो पारिस्थितिकी है उसके बारे में भी हम अप्लाइड एंटमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बात किया था कि इंसेक्ट्स की जो उत्पत्ति है वो लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले हो चुकी है और जिसका कि हमें जो प्रमाण है या इसका जो एविडेंस है हमें हिंदू माइथोलॉजी में मिलता है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, वी कैन ऑब्जर्व सर्टेन शार्प सिमिलैरिटीज ऑफ गॉड्स विद इंसेक्ट, कि हमारे जो देवी देवता थे और जो इंसेक्ट्स हैं उनमें बहुत सारी जो है समानताएं हैं। और देखिए, समानताएं है वो कैसे हैं, मल्टी आर्म्ड स्ट्रक्चर लाइक हेक्सापोड्स। हमारे देवी देवताओं के आप बहुत सारे हाथों को देखते हैं जो कि हमारे इंसेक्ट में भी होता है। इंसेक्ट की जो है 6 अपेंडिजेज होते हैं, 3 pairs ऑफ लेग्स, 6 टांगें होती हैं और इसीलिए इनको हेक्सापोड भी कहा गया है। इसी प्रकार से हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं उनमें भी आपने कई हिंदू देवी देवताओं को देखा होगा कि उनके भी जो है मल्टी आर्म स्ट्रक्चर होता है। एबिलिटी
टू फ्लाई टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, हमारे देवी देवता भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है उड़कर जाते थे लाइक इंसेक्ट्स। सॉलिड टफ मेटेलिक ऑर्नामेंट्स रिजेम्बलिंग इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन, हमारे देवी देवताओं के ऊपर भी आप मेटेलिक ऑर्नामेंट देखते हैं जो कि रिजेम्बल करता है इंसेक्ट के, वह जो उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है, वह कंकाल जो होता है उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है रिजेम्बल करते हैं। अरे गॉड सिटिंग ऑन फ्लावर्स, कुछ जो हिंदू देवी देवता हैं वो उनको आप जो है डेली जो लाइफ में उनको आप फूलों पर बैठे हुए देखते हैं। जैसे हम बात करें कुछ देवी जो हमारे जो गॉडेस हैं, हनी बी भी उसी तरीके से जो है फूलों पर आकर बैठती है ना। इन महाभारता अगर हम महाभारत की बात करें, दिस इज ए एपिक, वन ऑफ द एपिक रिटन बाई वेद व्यास। तो इस महाभारत में एक जगह वर्णन आता है कि कौरव जो हैं जो ट्राई टू किल पांडव, जो कौरव हैं वो पांडव को मारने के लिए जो है प्रयास करते हैं ड्यूरिंग देयर वनवास, जब पांडव जो है 14 साल के वनवास में थे। तो वो पांडव कौरव क्या करते हैं कि वो एक ऐसा बहुत ही ज्वलनशील घर बनाते हैं, फ्लेमेबल हाउस, और वो जो हाउस है वो किसका बना होता है, वो लाख का बना होता है, और इस हाउस को हम लक्ष ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो लाख का जो घर बना था, द सोर्स ऑफ दिस लाख वाज एन इंसेक्ट, तो लाख जो है वो एक इंसेक्ट या एक कीट से प्राप्त होती है जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर की फैमिली कैरिडी में आता है। अब देखिए हनी प्रोड्यूस बाई हनी बी इज यूज एज ए फूड, हनी के द्वारा जो हनी बी के द्वारा जो हनी प्रोड्यूस किया जाता है वो भी एक फूड की तरह भोजन के रूप में कार्य किया जाता है। हिंदू फैमिली में जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनको जो फर्स्ट फूड है वो हनी के रूप में ही दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो हिंदू रीति रिवाज है वहाँ पर शहद का प्रयोग किया जाता है। टू इंड्यूस रेन एंड एज ए मीडियम टू टेक मैनी मेडिसिंस, बहुत सारी जो मेडिसिंस हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिंस होती हैं उनमें जो है हनी का यूज बहुत समय पहले से ही किया जाता रहा है। सिल्क थ्रेड्स टाइड टू रिस्ट इज बिलीव टू नेगेट द इफेक्ट्स ऑफ एन ईविल आई, ऐसा माना जाता है कि अगर रेशम का थ्रेड को आप जो है कमर में पहन लेते हैं तो उससे जो है जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो आपके पास नहीं आती है। अब देखिए बात करते हैं अर्लीस्ट एंटमोलॉजिकल टैक्सोनॉमिस्ट इन इंडिया, द फर्स्ट डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट वाज डन बाई उमाशपति, जो पहला जो इंसेक्ट्स का जो वर्गीकरण था वो ऐसा माना जाता है कि उमाशपति ने जो है सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ बीज बाई द इंडियन फिजिशियन चरक, चरक ने जो है जो एक इंडियन फिजिशियन थे उन्होंने सबसे पहले जो बीज हैं उसको क्लासीफाई किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज बाई द सर्जन सुश्रुत, सुश्रुत ने जो है एंट्स जो फ्लाइज जो मक्खियां हैं और मॉस्किटो जो मच्छर हैं उनको जो है क्लासीफाई किया था। तो ये तीनों जो है ये तीनों जो है एविडेंसेस हैं कि हमारे जो फोर फादर्स थे या हमारे जो पूर्वज थे या एंशियंट जो स्कॉलर थे उन्होंने भी जो है इंसेक्ट को स्टडी किया था और वो भी जो है कीटों के जो विज्ञान जो एंटमोलॉजी में रुचि रखते थे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एंटमोलॉजी इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग्स, जो एंटमोलॉजी जो है इंडिया में जो एंटमोलॉजी का जो एक विकास हुआ है उसको हम दो फेज में बांट सकते हैं। एक पहला जो फेज है वो 1750 टू 1900 और दूसरा जो फेज है वो 1900 टू 2000 है। एंटमोलॉजी इन इंडिया ड्यूरिंग 1750 टू 1900, 1750 से लेकर 19 तक इंडिया में जो एंटमोलॉजी के क्षेत्र में कार्य हुए थे यहाँ पर हम उसको देखेंगे।
1758 में द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इरा ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी केम विद द पब्लिकेशन ऑफ द 10th एडिशन ऑफ कार्ल लीनियस सिस्टेमा नेचुरी। दिस कंटेन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ 28 स्पीसीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स। जो कार्ल लीनियस की जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, उसमें सबसे पहले 28 जातियों का इसमें उन्होंने वर्णन किया था जो कि इंडिया से बिलोंग करती थी। 1767 और 1779 के बीच में जे जी कीनिंग, ए मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम डेनमार्क, जो कि स्टूडेंट थे कार्ल लीनियस के और फ्रेंड थे फेब्रिसियस के, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कलेक्टेड नंबर ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कोरामंडल एरिया एंड सदर्न पेनिनसुलर इंडिया एंड हिज कलेक्शंस वर स्टडीड एंड नेम्ड बाई प्रोफेसर लीनियस हिमसेल्फ। कीनिंग जो थे, उन्होंने बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया फ्रॉम कोरामंडल एरिया एंड सदर्न पेनिनसुलर इंडिया, और उनका जो इंसेक्ट का कलेक्शन था और उन इंसेक्ट के कलेक्शन को प्रोफेसर लीनियस ने स्टडी किया और उनको नाम दिया। ही आल्सो पब्लिश्ड ए स्पेशल अकाउंट ऑफ द टर्माइट्स ऑफ थंजुवार डिस्ट्रिक्ट। फेब्रिसियस मेड कीनिंग्स नेम रिमेम्बर्ड फॉर एवर। फेब्रिसियस ने जो कीनिंग का नेम था उसको जो है हमेशा के लिए जो है सबके नॉलेज में ला दिया, नेमिंग द वेल नोन एंड डिस्ट्रक्टिव रेड कॉटन बग, जो एक रेड कॉटन बग है ऑफ द कंट्री एच डिस्ट्रस्कस क्वेंजी। इसको जो उन्होंने जो स्पेसिफिक नेम दिया रेड कॉटन बग का, उसमें उन्होंने जो है कीनिंग के नाम पर ही इसका जो है नामकरण करिया, और डिस्ट्रस्कस केनेंजाई जिसको हम कहते हैं उनके नाम से ही इसको डिस्क्राइब किया जाता है। 1782 में डॉक्टर केयर पब्लिश्ड एन अकाउंट ऑफ लैक इंसेक्ट। 1782 में डॉक्टर जो केयर थे, उन्होंने लैक इंसेक्ट के ऊपर कुछ अपने शोध पत्र प्रकाशित किए। 1785 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन कैलकटा। कैलकटा में एशियाटिक सोसाइटी जो है स्टार्ट हुई 1785 में। 1791 में डॉक्टर एंडरसन इश्यूड ए मोनोग्राफ ऑन कोक्नियल स्केल इंसेक्ट। कोक्नियल स्केल इंसेक्ट के ऊपर डॉक्टर एंडरसन ने 1791 में एक मोनोग्राफ लिखा। 1785 में हम बात करें तो क्लासिफिकेशन अठारह सौ पचहत्तर में फाउंडेशन ऑफ द इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम की जो है स्थापना की गई कैलकटा में। 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको हम शॉर्ट में BNHS के नाम से जानते हैं, स्टार्ट हुई। न्यूमरस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स वर पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, और बॉम्बे नेचुरल जो हिस्ट्री है वो एक जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें बहुत सारे जो इंडियन इंसेक्ट्स हैं उसके बारे में जो है अध्ययन, जो उनका अध्ययन किया गया और फिर उसको यहाँ पर प्रकाशित किया गया। 1883 में कमिंसमेंट ऑफ फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1883 ईस्वी में जो है फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है उसकी जो एक सीरीज स्टार्ट हुई अंडर द एडिटरशिप, जिसके कि संपादक जो है WT Blandford थे। 1892 में एंटोमोलॉजिकल पार्ट ऑफ द फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाउ फौना ऑफ इंडिया सीरीज स्टार्टेड विद सर जॉर्ज हैम्पसन, कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट ऑफ द 4 volumes ऑन द मॉस ऑफ इंडिया। 1892 ईस्वी में जो सर जॉर्ज हैम्पसन थे, उन्होंने जो मॉथ है इंडिया की उसके बारे में 4 volumes सबसे पहले प्रकाशित किए। और फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें हम सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो 1892 में इसमें जो है एंटोमोलॉजिकल पार्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया। 1893 में रोतनी पब्लिश्ड ऑन इंडियन एंड्स। रोतनी जो एक एंटोमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडियन एंड्स के बारे में स्टडी किया और इसको उन्होंने इसको सबसे पहला जो है इंडियन जो एंड्स हैं उसका जो है एक रिटेन रिकॉर्ड माना जाता है, जो कि 1893 में आया है।
एंटमोलॉजी इन इंडिया ड्यूरिंग 1900 टू 2000। 1901 में अगर हम देखें तो देखिए लियोनेल डी नाइसवेले वाज पोस्टेड एज द फर्स्ट एंटमोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1901 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लियोनेल डी नाइसवेल को जो है फर्स्ट एंटमोलॉजिस्ट जो है बनाया इंडिया के लिए। 1903 में प्रोफेसर मैक्सवेल लेप्रॉय सक्सीडेड नाइसवेले एज गवर्नमेंट एंटमोलॉजिस्ट। इसके बाद जो है प्रोफेसर मैक्सवेल लेप्रॉय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटमोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए और उन्होंने जो है लियोनेल डी नाइसवेले को रिप्लेस किया। 1905 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा। 1905 में इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई पूसा में बिहार में हुई। एंड प्रोफेसर लेफ्रॉय बिकम द फर्स्ट इम्पीरियल एंटमोलॉजिस्ट। और प्रोफेसर लेफ्रॉय को जो है फर्स्ट एंटमोलॉजिस्ट जो है उस समय बनाया गया। 1906 में इंडियन इंसेक्ट पेस्ट बाई प्रोफेसर लेफ्रॉय ने एक आर्टिकल या बुक लिखी इंडियन इंसेक्ट पेस्ट पर। 1909 में इंडियन इंसेक्ट लाइफ जो है प्रोफेसर लेफ्रॉय के द्वारा लिखी गई। 1912 में प्लांट क्वारंटाइन एक्ट वाज इन्फोर्स्ड लागू किया गया। क्वारंटाइन एक्ट मीन्स अगर किसी बाहर से किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राज्य से किसी प्लांट को आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले आ जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ जो है पेस्ट वगैरह हो या कुछ विशेष प्रकार की डिसीज हो, तो ऐसे इसके लिए इसको रोकने के लिए रेगुलेट करने के लिए प्लांट क्वारंटाइन एक्ट को पास किया गया 1912 में। 1914 में देखें तो हम डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड। जो इंसेक्ट जो पेस्ट की तरह कार्य करते हैं, जनरली ऑलमोस्ट ऑल द इंसेक्ट्स आर पेस्ट बट ऑल इंसेक्ट आर नॉट पेस्ट, सम इंसेक्ट्स आर बेनिफिशियल इन नेचर। तो इंसेक्ट जो ऐसे इंसेक्ट जो पेस्ट होते हैं उसके लिए एक जो है एक्ट पास हुआ 1914 में। और 1914 में ही टीवी फ्लेचर द फर्स्ट गवर्नमेंट एंटमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास स्टेट पब्लिश्ड हिज बुक सम साउथ इंडियन इंसेक्ट। टीवी फ्लेचर ने जो कि मद्रास राज्य के जो है शासकीय एक कीट विज्ञानी थे, उन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स। 1968 में डॉक्टर एम एस मनी ने अपनी एक बुक प्रकाशित की जनरल एंटमोलॉजी, और इन्हीं के द्वारा स्कूल ऑफ एंटमोलॉजी की स्थापना की गई सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा यूपी इंडिया में। एमएस मनी जो है बहुत ही एक हार्ड वर्कर एंटमोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि सेंट जॉन्स कॉलेज में स्कूल ऑफ एंटमोलॉजी की स्थापना की है। और ये आज भी स्कूल ऑफ एंटमोलॉजी जो है वो सेंट जॉन्स कॉलेज में स्थापित है, और बहुत सारे जो एमिनेंट एंटमोलॉजिस्ट है वो यहाँ से जो है स्टडी करके आज जो है हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1969 में डॉक्टर प्रधांस की जो एक बुक आई इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की स्थापना की। 1960 में द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया मोनोग्राफ वाई आर राव ने द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया के बारे में एक मोनोग्राफ दिया। 1968 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1971। 1968 में जो भारतीय सरकार है या भारत की सरकार है उसने एक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट पास किया, जो कि 1 जनवरी 1971 से जो है वर्किंग मोड में आया। 1969 में द मोनोग्राफ ऑफ ऑन इंडियन थाइसेनोप्टेरा बाई पब्लिश बाई डॉक्टर टी एन अनंत कृष्णन। डॉक्टर टी एन अनंत कृष्णन ने
जो है थाइनोसेप्टरा के बारे में एक मोनोग्राफ प्रस्तुत किया है। तो ये कुछ अर्लियर एंटमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भारत में जो है एंटमोलॉजी की नींव रखी। 1914 में देखें तो इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कोलियोप्टेरा वाज पब्लिश्ड बाय द फर्स्ट इंपीरियल फॉरेस्ट एंटमोलॉजिस्ट ई पी स्टेबिंग ने जो है इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और कोलियोप्टेरा के बारे में जो है 1940 में एक जो है अपने कार्य को जो है प्रकाशित किया। 1960 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट IFRI वाज एस्टैब्लिश्ड एट देहरादून। देहरादून में IFRI की स्थापना हुई जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। एंड ई पी स्टेबिंग वाज अपॉइंटेड एज फॉरेस्ट जूलॉजिस्ट। और जब IFRI की स्थापना हुई तो ई पी स्टेबिंग को वहाँ का जो है फॉरेस्ट जूलॉजिस्ट जो है नियुक्त किया गया। 1960 में ही द नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम वाज फाउंड एज द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम वाज फॉर्म बनाया गया। और 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट ऑन पेस्ट ऑफ कॉटन, कॉटन पेस्ट की स्टडी करने के लिए 1921 में एक कमेटी बनाई गई सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1925 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टेड, इंडियन जो लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना हुई। 1934 में हेम सिंह पूती HS पूती हु सक्सीडेड फ्लेचर एज इंपीरियल एंटमोलॉजिस्ट मेड एफर्ट टू ब्रिंग ऑल द एंटमोलॉजिकल वर्कर स्टिल क्लोजर विच रिजल्टेड इन टू द फाउंडेशन ऑफ एंटमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। HS पूती के प्रयासों से ही जो है एंटमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1938 में। अफजल हुसैन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एंटमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अफजल हुसैन जो है एंटमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले जो है अध्यक्ष थे। एंड द वाइस प्रेसिडेंट वर हेम सिंह, और जो वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष थे वो हेम सिंह पूथी और रामकृष्णा अय्यर थे। द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द सोसाइटी इज द इंडियन जर्नल ऑफ एंटमोलॉजी। जो इनका जो एक जर्नल वहाँ से प्रकाशित होता है एंटमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पूसा न्यू दिल्ली से, जिसको हम इंडियन जर्नल ऑफ एंटमोलॉजी के नाम से जानते हैं। 1939 में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। 1940 डॉक्टर टीवी रामकृष्णा अय्यर पब्लिश द बुक हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। 1963 टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी बाई HS पूथी। 1963 में HS पूथी के द्वारा जो है एक जो है पाठ्य पुस्तक जो है प्रकाशित की गई एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी। रीजन्स ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स, देखिए नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि इंसेक्ट्स जो है वो कैसे जो है डोमिनेंट हैं, उसके क्या कारण हैं। देयर आर सेवरल स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसेक्ट डोमिनेंस। इंसेक्ट डोमिनेंस या इंसेक्ट का जो प्रभुत्व है उसके लिए बहुत सारे कारण जो उत्तरदायी हैं। इसमें कुछ संरचनात्मक कारण हो सकते हैं, कुछ आकार की उनकी हो सकती है, कुछ कार्य की हो सकती है। तो उसमें हम कुछ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं कि इंसेक्ट क्यों डोमिनेंट हैं। तो सबसे पहला इनका रीजन देखिए बताया गया कैपेसिटी फॉर फ्लाइट, FLIGHT, यहाँ टी आप लगा दीजिएगा। इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स दैट कैन फ्लाई। इंसेक्ट केवल एक ऐसे अकशेरुकी प्राणी हैं जो उड़ सकते हैं। फ्लाइट गेव दीज इंसेक्ट ए हाईली इफेक्टिव मोड ऑफ एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर। और उड़ने की जो इनकी क्षमता है या जो क्वालिटी है उसकी वजह से ये अपने जो प्रिडेटर्स हैं उनसे भी बच जाते हैं। मोर देन 200 स्पेसीज इंक्लूडिंग मॉस, ड्रैगन फ्लाइज, लोकस्ट फ्लाइज एंड बीटल्स आर नोन टू माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाई एयर। लगभग 200 से अधिक
ये जो इंसेक्ट की स्पेसीज हैं उसमें जैसे मेनली मॉस हैं, टेकन प्लाई हैं, लोकस्ट हैं, फ्लाईज हैं और बीटल्स हैं, वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। द माइग्रेटरी लोकस्ट सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया कैन फ्लाई फॉर अप टू 9 आवर्स विदाउट स्टॉपिंग। जो माइग्रेटरी लोकस्ट है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, वो एक बार में लगातार 9 घंटे तक उड़ सकता है। प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, इनका जो बाह्य कंकाल है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसेक्ट बॉडी इज कवर्ड विद एन आउटर क्यूटिकल, एक आउटर क्यूटिकल से इनका जो है शरीर है वो ढका रहता है, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और एक्सोस्केलेटन जो है वो एक प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसको हम काइटिन के नाम से जानते हैं। और दिस इज लाइट इन वेट, दिस काइटिन जो है या जो एक्सोस्केलेटन जो है वो बहुत ही हल्का होता है एंड गिव स्ट्रेंथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंसेक्ट बॉडी। तो इंसेक्ट बॉडी को जो कि बहुत ज़्यादा जो है मजबूती, एक दृढ़ता और लचीलापन भी प्रदान करता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट की जो बॉडी है वो फुली कवर्ड है बाई एक्सोस्केलेटन, और दिस एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज ए प्रोटीन विच इज वेरी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर। रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन, पानी का जो इनमें जो है लॉस नहीं होता है। इंसेक्ट मिनिमाइज द वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस थ्रू प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। इंसेक्ट की जो एक्सोस्केलेटन है उसमें एपिक्यूटिकल में वैक्स लेयर होती है, तो वैक्स लेयर होने की वजह से जो है इनके शरीर से वाटर जो है बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, और वाटर को ये कंजर्व रखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग मेटाबॉलिक वाटर, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फीकल मैटर, यूज लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अपने ये जो मलमूत होते हैं उसको भी एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनको पानी की या वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनके अंदर पानी की जो है कमी जो है नहीं हो पाती है। डायरेक्ट जो इनकी जो एयर है वो ट्रेकियल सिस्टम में पाया जाता है, तो स्पाइरल केल्स के थ्रू ही जो डायरेक्ट जो एयर है वो शरीर के सारे भागों तक पहुंचती है, और इसमें भी जो है वाटर कंजर्वेशन होता है। ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इंश्योर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन टू एक्टिवली ब्रीदिंग टिश्यूज। इंसेक्ट्स की बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट जो ऑर्गन तक पहुंचती है थ्रू ट्रेकियल सिस्टम। जैसे आपने अगर ट्रेकियल सिस्टम पढ़ा होगा इंसेक्ट का, तो आप जानते हैं कि उसके ट्रेकियल सिस्टम की जो ओपनिंग होती है वो स्पाइरिकल्स उनको कहते हैं, और स्पाइरिकल्स के थ्रू ही जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक जाती है। ये देखिए ये इंसेक्ट का जो है ट्रेकियल सिस्टम है, और देखिए ये स्पाइरिकल्स हैं। स्पाइरिकल्स जो है वो शरीर के बाहर जो है खुलते हैं, और यहीं से एयर जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाती है, और ट्रेकिया के अंदर जाके फिर देखिए ये ट्रकियोल में डिवाइड हो जाते हैं, और ट्रेकियोल जो है वो फिर फर्दर जो है बहुत सारी इसकी ब्रांचेज निकल जाती हैं जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक डायरेक्ट ऑक्सीजन को सप्लाई कर देती हैं। इसमें जो है ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है। स्मॉलर साइज, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स आर स्मॉल। जो मोस्टली जो कीट होते हैं वो साइज में बहुत, आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिससे इनकी फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एडवांटेज, जिससे इनको बहुत ज़्यादा जो है फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनको एडवांटेज मिलता है। मोस्ट स्पीसीज आर बिटवीन 2 एंड 20 mm, बहुत अधिकतर जो स्पीसीज हैं वो 2 से लेकर 20 mm तक होती हैं। स्मॉल साइज इज ए बिग एडवांटेज टू इंसेक्ट दैट मस्ट अवॉइड प्रेडेशन। स्मॉल इनका आकार जो है छोटे होने की वजह से ये अपने प्रेडेटर से भी जल्दी से बच जाते हैं, और कहीं दूसरे स्थानों पर छप छिप जाते हैं। दे कैन हाइड, यहाँ लिखा हुआ दे कैन हाइड, ये छुप जाते हैं इन द क्रैक्स ऑफ ए रॉक, और जो चट्टाने होती हैं चट्टानों के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर छुप जाते हैं। बीनीथ द बार्क ऑफ ए ट्री, जो ट्री की जो बार्क होती है छाल होती है उसके अंदर चले जाते हैं। बिहाइंड द पेटल ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर्स के जो पेटल होते हैं उसके अंदर पीछे चले जाते हैं। और अंडर ए ब्लेड ऑफ ग्रास, और ये ग्रास के जो है पीछे भी छुप जाते हैं। मोर एडेप्टिबिलिटी और यूनिवर्सलिटी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल।
इनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो डाइवर्सिटी है इंसेक्ट की, बहुत ज़्यादा होती है। डिफरेंट टाइप के इन्होंने माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट इनकी फीडिंग हैबिट्स होती हैं। तो जिस तरह के इन्वायरमेंट में ये जाते हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर ये अडेप्ट हो जाते हैं ड्यू टू देयर माउथ पार्ट्स। इनकी जो हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ये इनकी जो प्रजनन क्षमता होती है, एंड रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल, और इनकी जो जीवन चक्र वो छोटा होता है। हैज इक्विप्ड मोस्ट इंसेक्ट विद द जेनेरिक जेनेटिक रिसोर्सेज टू अडेप्ट क्विकली इन द फेस ऑफ ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट अगर इनको फेस करना होता है, तो बहुत जल्दी ये क्विकली दे गेट अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा इनकी प्रजनन क्षमता होती है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंसेक्ट इज हाई, दैट इज एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ क्वीन टर्माइट। जैसे आप जानते हैं कि जो क्वीन टर्माइट होती है, वो लगभग 6,000 से लेकर 7,000 अंडे एक दिन में देती है, और लगभग 15 साल तक ये ऐसा ही करती है। शॉर्ट डेवलपमेंटल, इनका जो डेवलपमेंट पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है। जैसे कॉर्न एपिड्स प्रोड्यूसेस 16 निम्स पर फीमेल। जो कॉर्न एपिड होता है वो उसमें 16 जो है निम्स जो है वो पैदा होते हैं पर फीमेल, एक मादा के द्वारा, विच रीचेज द एडल्टहुड विद इन 16 डेज, जो कि नेक्स्ट 16 दिन में फिर से एडल्ट बन जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एन अदर अदर देन ओविपेरिटी एंड विविपेरिटी, लाइक पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोजेनेसिस एंड पीडोजेनेसिस, है ना। इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल में, या इंसेक्ट का जो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें हम पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोजेनेसिस और पीडोजेनेसिस को बहुत कॉमनली जो है ऑब्जर्व करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो डेवलपमेंट इसमें एग का जो डेवलपमेंट जो है एसेक्सुअली हो जाता है। इसमें जो है एग जो है स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होता है, लेकिन वो फुल्ली जो है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। पीडोजेनेसिस, जैसे डेवलप लार्वा जो है एडल्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मोर देन 82% ऑफ इंसेक्ट्स अंडर वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो इंसेक्ट हैं उसमें से लगभग 80 to 82% जो इंसेक्ट हैं वो उसमें पूर्ण जो है कायांतरण या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, और ऐसे इंसेक्ट्स को हम होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स कहते हैं। होलो मेटाबोलस इंसेक्ट में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस 4 होती हैं, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एज द, देखिए यहाँ लिखा हुआ, एज द लार्वा लार्वल एंड एडल्ट फूड सोर्सेस आर डिफरेंट, कंपटीशन फॉर फूड इज लेस। जनरली जो लार्वल स्टेजेज होती हैं और जो एडल्ट स्टेजेज हैं, उनके जो फूड सोर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इनके इससे इनकी जो इनके बीच में कंपटीशन भोजन के लिए जो आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि तो लार्वा का जो हम अगर माउथ पार्ट देखें तो वो टोटली डिफरेंट होते हैं एज कंपेरिजन टू एडल्ट। तो इसलिए इनके फूड हैबिट्स भी जो है अलग अलग होती हैं। प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इंसेक्ट में जो है बहुत ही जो है अच्छा और डिफेंस सिस्टम पाया जाता है, जिससे ये प्रीडेटर से अपनी रक्षा कर पाते हैं। इसमें बात करेंगे, इसमें बिहेवियरल डिफेंस, सम कैटरपिलर्स हैव आई स्पॉट्स दैट मेक देम लुक लाइक ए बिगर मोर डेंजरस एनिमल लाइक ए स्नेक। देखिए यहाँ ये कैटरपिलर है, और कैटरपिलर की अगर आईज हम देखेंगे तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट आईज लग रही हैं। इससे जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं वो इन पर अटैक नहीं करते, वो समझते हैं कि कुछ और ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है, और इनकी जो जो आईज हैं वो एकदम रिजेंबल करती हैं जस्ट लाइक स्नेक। कैटरपिलर्स ऑफन ड्रॉप फ्रॉम देयर फूड ऑन ए स्ट्रैंड ऑफ सिल्क वेन डिस्टर्ब्ड एंड रील देम सेल्फ बैक अप वेन द डेंजर पास्ट। ना आपने देखा होगा, जनरली अपने गार्डन में देखा होगा कि जो ये ऐसे ये लार्वा है, लार्वा को जब कोई प्रेडेटर्स इनके पास आता है तो ये वहाँ से जो है हट जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, और लेकिन एक थ्रेट की सहायता से ये जो है उस अपने सबस्टेटम से या अपने बेस से चिपके रहते हैं, और जैसे ही प्रीडेटर्स वहाँ से चले जाते हैं तो फिर ये रोल डाउन होकर फिर से जो है अपने जो ओरिजिनल प्लेस पर पहुँच जाते हैं। मैनी बीटल्स एंड बीविल्स प्रिटेंड डेड। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, कि कुछ ऐसे बीटल्स और बीविल्स होते हैं, जनरली ये कोलियोप्टेरन्स होते हैं,
ऑर्डर कोलियोप्टेरा में आते हैं। ये ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो डेड, जैसे वो मृत हो गए हैं। विच इज ए फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये भी एक विशेष प्रकार का एक रक्षात्मक ये प्रयास है अगेंस्ट प्रीडेटर, कि प्रीडेटर से कैसे बचा जाए। विच प्रेफर्स, कुछ प्रीडेटर्स ऐसे होते हैं कि वो लाइव प्रे को ऊपर फीड करना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये कुछ बीबल्स के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वे ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो डेड हो गए हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज थेनेटोसिस। देखिए, थेनेटोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मीन होता है कि जब किसी इंसेक्ट के पास कोई प्रेडेटर पहुंचता है तो इंसेक्ट जो है ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो मर गया है, मृत हो गया। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बीटल जो है वो ऐसे अपने आप को शो कर रहा है कि जैसे इसकी डेथ हो चुकी है, और ये उल्टा भी पड़ा हुआ है। जैसे ही प्रेडेटर इसके पास आते हैं तो प्रेडेटर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है डेड, इसकी डेथ हो चुकी है, और इसको जो है बिना खाए वो छोड़ देते हैं, इसके ऊपर जो है अपने फीड नहीं करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज थेनेटोसिस। देखिए, मैकेनिकल डिफेंस की बात करें तो टर्माइट सीक्रीट केमिकल दैट हार्डन अपॉन कॉन्टैक्ट विथ एयर दैट इम्पेयर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। टर्माइट जो है कुछ ऐसे केमिकल्स को सीक्रीट करते हैं जो कि एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर हार्ड हो जाते हैं, और जिससे जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं उनका मूवमेंट जो है नहीं हो पाता है। एफिड सीक्रीट लिपिड टू गम अप माउथ पार्ट्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इसके अलावा देखिए, स्पाइंस ब्रिसल्स एंड हेयर्स में भी इफेक्टिव मैकेनिकल डिटरेंट्स अगेंस्ट प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। देखिए, आप देख रहे हैं ये लार्वा है, लार्वा के ऊपर आप देख रहे हैं कि कैसे ये स्पाइन और ब्रिसल लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे जो प्रीडेटर्स होते हैं वो इनसे जो है इनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। दी अगला और लास्ट पॉइंट है हेक्सापोड लोकोमोशन। इंसेक्ट में जो लोकोमोशन होता है बाई थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होता है, इसलिए इनको हम हेक्सापोड भी कहते हैं। क्लास इंसेक्टा को जो है हेक्सापोड भी कहा गया है, क्योंकि ये छः पेयर से जो है लोकोमोशन करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, इंसेक्ट यूज थ्री लेग्स एट ए टाइम ड्यूरिंग लोकोमोशन while the remaining three legs are static which gives greater stability। इंसेक्ट की जो छह टांगें होती हैं उसमें से ये तीन अपनी जो लेग्स को लोकोमोशन के दौरान यूज करते हैं, और तीन टांगों से जो है अपनी बॉडी को बैलेंस बनाकर रखते हैं, जिससे इनको चलने में बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी मिलती है। तो आज मैंने आपको इंसेक्ट इंडिया में जो इंसेक्ट एंटोमोलॉजी की जो शुरुआत हुई उसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में मैंने कुछ आपको जानकारी दी है, और इसके अलावा इंसेक्ट क्यों हमारी पृथ्वी पर जो है डोमिनेंट हैं, क्या उनकी अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे वो उनका जो नंबर है वो जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट टर्न पे हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो इंसेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी उनकी क्लासेस हैं, कितने उनके ऑर्डर्स हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट अगेन।